इकबाल बाहू नाल मेरी एक जज्बाती वाबस्तगी सी और जिन्ना चिर जिंदा रहे पंजाबी दे तमाम प्रोग्रामां च उनकी आमद यकीन नहीं होंदी सी। मैनू याद नहीं लेकिन उन्हां प्रोग्रामां दी तादाद सैकड़े जरूर होगी जिहड़ा सा पंजाबी अशआर ऑर्गनाइज़ किए और इकबाल बाहू साहब तशरीफ लिया। बदकिस्मती कि असीं उन्हां वास्ते तकारीब दा सिलसिला ना रख सके। मेरी हमेशा ख्वाहिश सी और मैं नदीम बाहू नूं अक्सर किया कि असी अपने अकाबरीन नूं याद करन दा सिलसिला शुरू किया है तो इकबाल बाहू साढ़े वड्डे ने उन्हें इजाज़ तकरीब होनिया चाहीदियां ने। सो अज की तकरीब उस सिलसिले की कड़ी है। शौकत साहब ने भी मेरा मुहब्बत ते प्यार दा रिश्ता सी और शौकत साहब की सूरत हाल भी यही है कि वह भी मेरे सैकड़े प्रोग्रामां में शामिल होए। लेकिन जो इंतकाल किया तो असी प्रोग्राम अनाउंस किया ऑर्गनाइज किया लेकिन कोविड की वजह तो उस पाया तकमील तक ना पहुँचा सके। मैं बहुत मशकूर तो ममनून हाँ अपने तमाम अकाबरीन का जेड़े मेरी अचानक दावत तशरीफ लाए। पंजाब हाउस बुनियादी तौर पर पंजाबी जबान की तरक्की तरवीज वास्ते असी प्राइवेट सैक्टर एक छोटा सा इदारा बनाया जिद समझने कि सिर्फ पंजाबी की गल होनी चाहिए है और पंजाब नाल मनसलिक सूफिया का कलाम और सूफिया की तालीमात की गल होनी चाहिए है। सो इस हिस्से असी बड़ा छोटे लैवल पर काम शुरू किया है। कोशिश कर रहे हैं कि असी अपने बाबियां नूं याद करिए और अपने बाबे की तालीमात नूं नवी नस्ल तक पहुँचाइए। अच्छा मेरा ईमान है कि चूंकि पंजाबी सूफिया की जबान है पंजाबी अगर तालीम होएगी अगर पंजाबी का अपना मुकाम हासिल होएगा तो असी सूफिया पढ़ सकेंगे असी बाबिया पढ़ सकेंगे। सो उस मिशन की तकमील वास्ते असी अपना बड़ा थोड़ा जहा हिस्सा पाने की कोशिश कर रहे हैं। पंजाब हाउस थोड़े से हाजिर है। अच्छा मैं भी दस दें कि असी पंजाब हाउस एक तो असी दोस्तों याद कर रहे हैं एक असी अगले साल ही पंजाबी का सैटेलाइट चैनल लैके आ रहे हैं पंजाबी का एफ एम चैनल और ये नाल असी पंजाबी की किताबों की अशा दस शुरू किया है। 60 के करीब पंजाबी किताबा ने वो किताबा जिन्होंने को नहीं छापता वो अकाबरीन मेरी मुराद इकबाल बाहू तो लैके मंजूर चला बहुत बहुत सारे लोग जिन्हें किसी काम नहीं किया असी स्पेशली उत्ते काम करवा के तो उन्होंने किताबा छाप रहे हैं तो साड़ी एक ख्वाहिश है कि वह लोग जोड़े जिन्हें साढ़े वास्ते काम किया जो साढ़े वड़के सन असी उन्होंने काम को इकट्ठा कर सकी और लोगों तक पहुँचा सकी। वासफ साहब तुम रखते ने उन्होंने साहबजादे वासफ साहब के मेरी ख्वाहिश सी कि वासफ साहब न असी पंजाबी ट्रांसलेट करिए। सो असी एक किताब उन्होंने पंजाबी ट्रांसलेट की और मेरी जाती तौर पर ख्वाहिश है कि असी वासफ साहब जिन्हिया भी किताबा ने उन्होंने पंजाबी ट्रांसलेट करके पंजाबी लोगों का पढ़ने का सबब बनाइए। तो साढ़े प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा ने असी वैब चैनल एक पंजाबी का शुरू किया पंजाबी का अखबार तो असी 32 साल दे रहे हैं पंजाबी दे मैगजीन और पंजाबी दे हवाले नाल साडा यह दावा है कि प्राइवेट सैक्टर च कोई काम इन्ना नहीं कर रहा जिन्ना पंजाब उस कर रहा। लेकिन ये इन्हां बजुर्गों दीआं दुआवां ते इन्हां दी तालीमात दा असर है कि असी पंजाबी वाले पासे तुरे हाँ। साडी बुनियादी मिथ इको ही है कि पंजाबी नूं उहदा मुकाम मिले अगर पंजाबी पढ़ी जाएगी पंजाबी लिखी जाएगी पंजाबी रोटी रोज़ नाल जुड़ेगी तो असी बाबियां दे कलाम नूं पढ़ सकेंगे असी बुल्ले शाह नूं पढ़ सकेंगे सुल्तान बाहू नूं पढ़ सकेंगे मियां मुहम्मद बख्श नूं पढ़ सकेंगे और उन्हां तमाम अकाबरीन तो जाणू हो सकेंगे जिन्हें सानू अमन प्यार मुहब्बत ते रवादारी दा दर्स दिता है। बहुत शुक्रिया। मैं समझना कि मैं गल्लां सुनियां ने और मेरे कोल बहुत ही जीवकार लोग मौजूद ने तो मैं इंशाल्लाह इन दी गल्लां सुनांगा। मैं अपनी गल नूं मुखसर करना। बहुत शुक्रिया। बहुत मेहरबानी।